में विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जहां लखनऊ कैंट से यूपी के कानून मंत्री व बीजेपी पार्टी के दावेदार ब्रजेश पाठक से हमारी संवाददाता से खास बातचीत की है। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बख्शी का तालाब में सपा प्रत्याशी गोमती यादव और पश्चिम विधानसभा सीट से कायम रजा से भी खास बातचीत की है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद है, तो ब्रजेश जी आपका किस तरीके से पार्टी की लहर चल रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी कैंट विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और कल से ही बड़ी संख्या में लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखेंगे कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं। इस बार आपका क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा अभी दो दिन में आपको संकल्प पत्र के रूप में आ जाएगा सामने। तो ये थे हमारे साथ में ब्रजेश पाठक, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और कलेक्ट्रेट परिसर में आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने कहा है कि एक दो दिन में आज वो नामांकन कर चुके हैं और इस बार उनका कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर से अपना परचम लहराएगी। इस वक्त हमारे साथ बख्शी का तालाब से अपनी दावेदारी कर रही सपा प्रत्याशी गोमती यादव हमारे साथ में मौजूद है। गोमती यादव से बात करेंगे कि इस बार उनका क्या एजेंडा रहेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस नामांकन के लिए। आपके किस तरीके के मुद्दे लेकर आप उतरेंगे जनता के बीच में? देखिए, मैं चार बार वहाँ चुनाव जीत चुका हूँ। पिछले पाँच साल में कोई काम वहाँ नहीं हुआ जी। कोई काम नहीं हुआ जी। सबसे बड़ी बात है DAP नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही है। हमने इंटर कॉलेज भी हेटम बनवाया है, उसको डिग्री कॉलेज बनाना था। हमने सैरपुर बाजार में इंटर कॉलेज बनाया था, उसमें पतावर लगी है। 80 बीघे का मटियारी इंटर कॉलेज जिसको गांधी जी ने बनवाया था, आज छत टपक रही है। भाजपा के लोग उसका इंतखाब लेके घूम रहे हैं, बेच रहे हैं उस जमीन को। उसको डिग्री कॉलेज बनाना है, उसको स्टेडियम बनाना है, बाबागंज रोड को चौड़ी करना है। उसमें 24 लोग बेचारे एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं। हमारी बच्चियां, दो दो बच्चियां एक घर में ख़त्म हो गई अभी पिछले महीने। ये सारे काम करना है इस बार जी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो नहीं थी जी। पिछली बार अखिलेश भैया ने मेट्रो चला दी जी। हमारे घोषणा पत्र में आगरा एक्सप्रेस वे नहीं था, अखिलेश भैया ने आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया। हमारे मैनिफेस्टो में RTCT नहीं था, अखिलेश भैया ने बना दिया। इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम था, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, अखिलेश भैया ने उसको बना दिया। कैंसर हॉस्पिटल हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, अखिलेश भैया ने उसको बना दिया। जब जो चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था वो बना दिया, तो जो मैनिफेस्टो आएगा तो 1001% लागू हो जाएगा। आपके देखेगा नौजवानों के लिए कितना काम होता है। जैसे पिछली बार लखनऊ की 9 विधानसभा में से 1 सीट पे सपा को मिली थी, तो इस बार बहुत ज्यादा एक टफ कंपटीशन है भाजपा की वजह से। देखिए, 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। आप पहले मेरी बात देखिए, आप महाराज जी बाबा जी का कोई मीटिंग होती है तो 1 महीना पहले उसकी तैयारी करते हैं भाजपा के लोग। आदरणीय मोदी जी की जब सभा होती है तो 1 महीना तैयारी की जाती है, हजारों बसें लगाई जाती हैं, हजारों लोग लगते हैं, हजारों रुपया लगता है, लाखों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है, तब भीड़ जुटाते हैं, कुर्सियों बैठाते हैं। अखिलेश भैया का रथ निकल जाता है, 1 लाख आदमी आ जाता है एकदम से। अभी मालूम हो जाए अखिलेश भैया का रथ यहाँ निकल रहा है, अभी देख लीजिए यहाँ जाम लग जाएगा। हमारे क्षेत्र में IIM रोड से लेके और बख्शी तालाब पे कार्यक्रम था, 6 किलोमीटर की दूरी में उनको 3 घंटे लगे पहुंचने में, इतनी भीड़ थी, 1 लाख की भीड़ थी। तो उससे लोकप्रियता से अंदाजा लगाइए, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। हर धर्म, हर वर्ग, सबको आप टिकट देख लीजिए, सूची आप पे होगी, उस सूची में देख लीजिए, कोई विशेष वर्ग का है, कोई व्यक्ति का टिकट ज़्यादा नहीं है, हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। इसलिए हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अखिलेश भैया जी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं जी। हर कोई सरकार अपने विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से अलग रहेगी? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, हम सबको लेकर साथ चलेंगे जी। इस बार अभी 1,63,000 नौकरियां हैं और 69,000 शिक्षा मित्र हैं और करीब 90,000 पुलिस की भर्तियां हैं, जोड़ लीजिए कितने हुए, लगभग 4 लाख के आसपास तो पद खाली पड़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। इनकी तो योजना है कि गुजरात वाले हमें पूरा यूपी कब्जा कर लें,
मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, दो चार गुजराती आ गए पूरे यूपी पे हमारे कब्जा किए हैं, चाहे खनन हो चाहे हो, हर चीज को प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट में दे दो, एयरपोर्ट प्राइवेट में दे दो, जमीनें प्राइवेट में दे दो, सब कुछ प्राइवेट में दे दो, क्या होगा इस देश का, हमारे कर्मचारी क्या करेंगे, बिजली भी प्राइवेट में दे दो। अरे उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार की बात करिए, प्राइवेटाइजेशन हल नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार, बसपा से उम्मीदवार कायम रजा खान हमारे साथ में मौजूद हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस नामांकन। नमस्कार, तो आज ये बताइए, आज आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज प्रतिक्रिया ये है, बड़ी खुशी हुई, हाँ। पर्चा दाखिल करके अब आप जा रहे हैं क्षेत्र में, लोगों से मिलेंगे जाके, अपनी बात कहेंगे कि हमें जिताइए और हमारी माननीय बहन जी की सरकार बनाइए। जी जी, अच्छा ये बाकी ये है कि आज एक तरीके से चुनाव को लेकर एक पहला एक चरण था, जो पहला चरण आप कर चुके हैं, आगे अब किस तरीके से आपकी तैयारियां और क्या क्या तैयारियां रहेंगी? तैयारी तो देखिए, हमारी पिछले दो साल से चल रही थी, क्षेत्र में हम बने हैं, बराबर बने हुए थे और क्षेत्र की जनता हमें चाह रहे हैं कि अब के विधायक बनाएंगे, इन्हीं को बनाएंगे, क्योंकि हमने इतना पहले काम कर दिया लोगों के साथ में, तो आज जनता कायम रजा खान ही का नाम ले रही है। बाकी हर पार्टी विकास के मुद्दे पर बात कर रही है, हर तरीके से हर कोई विकास की बात कर रहा है, बीएसपी का विकास और पार्टियों से किस तरीके से अलग होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का विकास जो है वो देखने में आपको, चार बार सरकारें बनी हैं, आप देख लीजिए कि कितना काम हुआ, 7 से 12 तक देख लिए, बहन जी ने जो काम कर दिया, आज तक का इतिहास है कि कोई मुख्यमंत्री इतने कार्य कर नहीं पाया। बाकी अब ये है कि मैं चाहूंगी कि एक प्राइम टीवी के माध्यम से एक मैसेज आप दें। हम हाथ जोड़ के विनती अपने क्षेत्रवासियों से करना चाहेंगे कि हमें वोट करें, हमें विधायक बने और माननीय बहन जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस बार पश्चिम विधानसभा से हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट कायम रजा खान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि विकास के मुद्दों को लेकर वो वहाँ पर काम करने वाले हैं, हर एक कोई पर्सन विकास के मुद्दों पर बात कर रहा है और उनकी हर एक ने अपने अपने एक नए एजेंडे बना रखे हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।